बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो ये सारा ही घराना और खानदान बल्कि आल औलाद सखावत करम शुजात बहादुरी में मुमताज रहे हैं, लेकिन हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु मसाकीन के साथ खास ताल्लुक रखते थे और ज्यादा उठना बैठना गुरबा ही के साथ होता था। कुफार की तकलीफ से तंग होकर अव्वल हबशा की हिजरत की और कुफार ने वहाँ भी पीछा किया तो नजाशी के यहाँ अपनी सफाई पेश करना पड़ी, जिसका हिस्सा पहले बाप के नंबर 10 पर गुजरा। वहाँ से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की और गजवाए मोता में शहीद हो गए, जिसका किस्सा अगले बाप के खत्म पर आ रहा है। उनके इंतकाल की खबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ताजियत के तौर पर तशरीफ ले गए और उनके साहबजादों अब्दुल्ला और औन और मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हुम को बुलाया। वो सब कम उम्र थे, उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। सारी ही औलाद में बाप का रंग था, मगर अब्दुल्ला में सखावत का मजमून बहुत ज्यादा था। उसी वजह से उनका लकब कुतुबु सखा सखावत का कुतुब था। 7 बरस की उम्र में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुई। उन्हीं अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से किसी शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ सिफारिश कराई। उनकी सिफारिश पर उसका काम हो गया तो उसने नजराने के तौर पर 40,000 दिरहम भेजे। उन्होंने वापस कर दिया कि हम लोग अपनी नेकी को फरोख्त नहीं करते। एक मरतबा कहीं से 2,000 दिरहम नजराने में आए, उसी मजलिस में तकसीम फरमा दिए। एक ताजिर बहुत सी शक्कर लेकर आया, मगर बाजार में फरोख्त ना हुई। उसको फिक्र और रंज हुआ। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपने कारिंदों से कहा कि सारी शक्कर उससे खरीद लो और लोगों में मुफ्त लुटा दो। रात को कबीले में जो मेहमान आ जाता था वो उनके यहाँ से खाना पीना हर किस्म की जरूरियात पूरी करता। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक लड़ाई में शरीक थे। एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला को वसीयत फरमाई कि मेरा ख्याल है कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम मेरा कर्जा अदा कर देना और फला फला काम करना। ये वसीयतें करके उसी दिन शहीद हो गए। साहबजादे ने जब कर्जे को जोड़ा तो 22 लाख दिरहम थे और ये कर्जा भी उसी तरह हुआ था कि अमानतदार बहुत मशहूर थे। लोग अपनी अपनी अमानतें बहुत कसरत से रखते। ये फरमा देते कि रखने की जगह तो मेरे पास नहीं, ये रकम कर्ज है, जब तुम्हें जरूरत हो ले लेना। ये कहकर उसको सदका कर देते और ये भी वसीयत की कि जब कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे मौला से कह देना। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मौला को ना समझा, मैंने पूछा कि आपके मौला कौन, फरमाया कि अल्लाह ताला। चुनाचा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम कर्जा अदा कर दिया। कहते हैं कि जब कोई दिक्कत पेश आती मैं कहता ए जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मौला, फला काम नहीं होता, वो फौरन हो जाता। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा उन अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मेरे वालिद के कर्ज की फहरिस्त में तुम्हारे जिम्मे 10 लाख दिरहम लिखे हैं। कहने लगे जब चाहो ले लो। उसके बाद मालूम हुआ कि मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा गया, मैंने कहा कि वो तुम्हारे उनके जिम्मे हैं। कहने लगे मैंने माफ कर दिए, मैंने कहा कि मैं माफ नहीं करता। कहने लगे जब तुम्हें सहूलत हो दे देना। मैंने कहा कि उसके बदले में जमीन ले लो, गनीमत के माल में बहुत सी जमीन आई हुई है। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने एक जमीन उनको दे दी जो मामूली हैसियत की थी, पानी वगैरह भी उसमें नहीं था। उन्होंने फौरन कबूल कर ली और गुलाम से कहा कि उस जमीन में मुसल्ला बिछा दे। उसने मुसल्ला बिछा दिया, 2 रकात नमाज वहाँ पढ़ी और बहुत देर तक सजदे में पड़े रहे। नमाज से फारिग होकर गुलाम से कहा कि उस जगह को खोदो। उसने खोदना शुरू किया, एक पानी का चश्मा वहाँ से उबलने लगा। फायदा उन हजरत सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के यहाँ ये और उस किस्म की चीजें जो इस बाब में लिखी गईं कोई बड़ी बात नहीं थी। उन हजरत की आम आदतें ऐसी ही थीं।